चलो यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में दो तरह के जॉब अपडेट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की तरफ से है और एक ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे, यानी कि एयरफोर्स अग्निवीर की रिक्रूटमेंट हो रही है नहीं फिर से, हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। सबसे पहले से यहाँ पर बात करेंगे अग्निवीर के बारे में बात करेंगे, तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर से पहले पहले आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम आपको बता दें तो किसके लिए रिक्रूटमेंट करी जा रही है, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जैसे कुक हो गया, या आपको देखने को स्ट्रीम मिल देखने को मिल जाएंगे, हाउसकीपिंग वगैरह हो गया, इस तरह की वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप किसी भी एक लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन आपके सामने न्यू दिल्ली की है, दिल्ली कैंट वगैरह की है। आप किसी भी एक लोकेशन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा जगह अप्लाई करोगे तो अप्लीकेशन फॉर्म आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप 10th पास हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है, 1999 से लेकर 2005 के बीच का डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 10th पास वालों के लिए एक जॉब अपडेट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे बाकी आपको सैलरी वगैरह का पता ही रहता है क्या सिस्टम रहेगा। सिलेक्शन की बात करेंगे, रिटन टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, बाकी आपको बताया गया जैसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट 30 मार्क्स है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा, पेपर रिटन होगा, उसमें 10 नंबर की इंग्लिश होगी, 10 नंबर का जीके वाला सेक्शन यहाँ पर आपको रहने वाला है। तो इस तरीके से सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया क्या है वो भी आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। पीडीएफ आपको वैसे भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर जाके देख सकते हो। और बाकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फॉर्म वगैरह भी बताया गया, जिस एड्रेस पे आपको भेजना है वो एड्रेस आपको स्टार्टिंग में ही दिया गया था। और जो स्टूडेंट्स अग्निवीर आर्मी जीडी की बात करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं 20 अक्टूबर से। अभी फिलहाल वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अग्निवीर आर्मी के लिए 20 तारीख से। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, जो कि जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। अब हम चलते हैं दूसरे जॉब अपडेट की बात कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट करी जा रही है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर किश्तवाड़ की बात करेंगे। यहाँ पे इनकी तरफ से रिक्रूटमेंट करी जा रही है, यहाँ पर क्या रहने वाला है। यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर में, वन स्टॉप सेंटर वुमेन की बात करें, इनके लिए एडवर्टीजमेंट निकाला गया। यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर वो सब कुछ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर फीमेल ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करेंगे सोशल काउंसलर की बात करेंगे, फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। केस वर्कर फीमेल, बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। या पैरालीगल पर्सनल लॉयर की बात करें, डिग्री है लॉ में, आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे, कंप्यूटर की नॉलेज है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट होने चाहिए और कंप्यूटर आईटी में डिप्लोमा वगैरह होने चाहिए। बाकी एज लिमिट आपके सामने है, एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो पर मंथ आपको कितना मिलने वाला है वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। पैरामेडिकल पर्सनल फीमेल की बात करेंगे, यहाँ पर भी आपको डिग्री डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपर्पस स्टाफ या फिर कुक की बात करेंगे तो 3 वैकेंसीज है, 10th पास हो अप्लाई कर सकते हो। 18 से लेकर 40 ईयर्स तक एज लिमिट, 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। और सिक्योरिटी गार्ड या फिर नाइट गार्ड की बात करें, 10th पास हो अप्लाई कर सकते हो, 18 साल कम से कम होनी चाहिए, 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बताया गया है, क्वालिफिकेशन के कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं, वाई वॉइस के कितने मिलने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स आपको बताई गई हैं। बाकी इंटरव्यू के बारे में आपको बता दी जाएगा। और बाकी आपको और बताया गया कि डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से क्या क्राइटेरिया रहने वाले, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताई गई हैं। जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रहने वाले हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रहने वाले हैं उन तक आप वीडियो को पहुँचा सकते हो, वीडियो को शेयर करके। फिलहाल किसी भी तरह का डाउट होगा, कुछ भी पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वाला जो PDF है फॉर्म के साथ जो दिया गया है, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो इसी अपडेट के साथ वीडियो करेंगे एंड मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।